नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दो लेक्चर आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल में कितने तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, चार तरीके थे उसके। लास्ट लेक्चर में अपन ने कैपिटल रिडक्शन स्कीम को स्टार्ट कर लिया था। अब आज आगे करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रूल बताना है। वो रूल है आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। आपको एक थोड़ा सा रूल बताना है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का क्या रूल है, जैसे ध्यान से समझना। आपके दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को तो पैसा कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट कमा रही हो बिजनेस, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो हर केस में पैसा देना देना होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सब केस में प्रायोरिटी मिलती है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता ही लॉस के केस में, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अपन को कौन सा कंसेप्ट देखना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का। इस चीज में ध्यान रखना, अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपका बकाया चल रहा है, एरियर चल रहा है, ड्यू चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपका ड्यू चल रहा है, और पूरे के पूरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसका सेक्रीफाइस कर देते हैं, पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर देते हैं कि भाई हमें डिविडेंड चाहिए नहीं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपका ड्यू चल रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंप्लीट उसका सेक्रीफाइस कर देते हैं, तब कोई भी जनरल एंट्री नहीं होगी, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरी बात, वो पूरा सेट ऑफ नहीं करके पार्शल सेट ऑफ कर देते हैं, उसकी कुछ अमाउंट को वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, कुछ अमाउंट को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इस केस में भी जितनी अमाउंट से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। जैसे एक बहुत ध्यान से देखना, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, 9% प्रेफरेंस शेयर थे आपके 1,00,000 रुपए के, और आपको क्वेश्चन ने कह रखा है एरियर, एरियर चल रहा है डिविडेंड का 18,000 का, क्वेश्चन में एरियर चल रहा है डिविडेंड का 18,000 का। पहला ऑप्शन, अगर शेयर होल्डर ने पूरा का पूरे कह दिया कि हमें तो 18,000 रुपए चाहिए नहीं, हम माफ करने को तैयार है, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। दूसरी बात, अगर शेयर होल्डर ने ये बोला कि भाई हम 18,000 नहीं, हम 10,000 सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, हमें 8,000 रुपए चाहिए, 10,000 सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, 8,000 चाहिए, तब इस 10,000 की भी कोई एंट्री नहीं होगी, इस 10,000 की भी कोई एंट्री नहीं होगी, केवल एंट्री किसकी होगी, इस 8,000 की। और क्या एंट्री बनेगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, एंट्री बन जाएगी आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। बहुत ध्यान से समझना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। कंसेप्ट क्या है कि अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की अमाउंट ड्यू चल रही है, और अगर डिविडेंड होल्डर सारी की सारी अमाउंट सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो कोई एंट्री नहीं होगी। कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस कर दी, पार्शियल अमाउंट सेक्रीफाइस कर दी, तो जितनी अमाउंट वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं उसकी भी कोई एंट्री नहीं बनेगी। केवल एंट्री किसकी होती है, ध्यान देना, एंट्री उसी पोर्शन की होगी जितना पोर्शन का आपको उसको पेमेंट करना है, जितना पोर्शन का आपको उसको पेमेंट करना है, एंट्री उसी चीज की होगी, यानी कितने की, 8,000। अब जितनी अमाउंट से आपने एंट्री कर दी, मतलब अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, 8,000 का। अब ऐसा 8,000 का पेमेंट हो सकता है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में दो या चेक में दो, हो सकता है कि इन 8,000 के बदले में आप इनको न्यू शेयर इश्यू कर दो, हो सकता है कि इन 8,000 के बदले में आप इनको क्या दे दो, डिबेंचर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाती है आपकी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू कैश, अगर कैश में पैसा दिया तो, टू इक्विटी शेयर अगर आपने नए इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए तो, और टू डिबेंचर होल्डर की अगर इनके बदले में आपने नए डिबेंचर दे दिए तो, ये एंट्री हो गई। बहुत ध्यान से समझना, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर ड्यू चल रहा है, पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर दिया, नो एंट्री, पार्शल सेक्रीफाइस कर दिया, तो जितनी अमाउंट का सेक्रीफाइस कर चुके हैं, नो एंट्री, जो अमाउंट उनको पेड करनी है, फर्स्ट एंट्री ये होगी, और सेकेंड एंट्री जिस मोड में आप पेमेंट कर रहे हो वो एंट्री होगी। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लेना बच्चों, अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका पेज नंबर 10.70 पे है। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 10.70। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है आपका 10.70 पे क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं साथ साथ में। आपको बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड की, बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की। पहले बैलेंस शीट पे फोकस मत करना, जैसे जैसे डाटा नीचे दिखता जा रहा है वैसे वैसे फोकस करते हैं। और कैपिटल रिडक्शन की एंट्रीज करने से पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी वापस याद कर लो। कैपिटल रिडक्शन की कहानी क्या थी,
सबसे पहले बिजनेस में लॉस चल रहा है, लॉस चलने के लिए अपन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा सबसे पहले कहां से करेंगे, शेयर होल्डर से, फिर जाएंगे अपन क्रेडिटर डिवेंचर के पास, फिर अपने पास जो भी रिजर्व वगैरह पुराना पैसा पड़ा है वहां से पैसा इकट्ठा करेंगे, उस पैसे का कुछ सेट ऑफ असेट्स में कर देंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसमें से सब लॉस वगैरह जो भी है उसको बांट दो, लास्ट में भी अगर कोई पैसा बच गया अपने पास तो उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। गिनती की 6 एंट्री होती है, चैप्टर खत्म है। क्वेश्चन देखना, बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों दिए हुए हैं, पी एंड एल का लॉस चल रहा है और क्रेडिटर दिए हुए हैं, असेट साइड में आपको फिक्स असेट्स, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल सारी चीजें दी हुई है। क्वेश्चन में आपको केवल इतना सा पूछा है, गिव जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट बनानी है। टोटल 4 एडजस्टमेंट है, चारों एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट और उसकी जनरल एंट्री। पहला एडजस्टमेंट दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच टू रिड्यूस 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 6 ईच। मतलब मैं लिख भी देता हूं आपको, आपके पास पहले 10% प्रेफरेंस शेयर थे, आपके पास क्वेश्चन में ध्यान से देखना 50,000 शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर थे, 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, ये पहले वाला केस था। अब आपको क्या करना है, इन शेयर को किसमें कन्वर्ट करना है, 50,000 शेयर एट द रेट 6 ईच। तो पहले कितने के थे, 5 लेख के, अब कितने के रह चुके हैं, 3 लेख के, कितने से रिडक्शन आ चुका है बच्चों, 2 लाख का, ये कितने का रिडक्शन आ चुका है, 2 लाख का, केवल इसकी जनरल एंट्री बनेगी, जितने अमाउंट से रिडक्शन आया केवल उसकी जनरल एंट्री बनेगी। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने से एंट्री बन गई, 2 लाख से, ध्यान देना ना वो 5 लाख किसी काम का है ना 3 लाख किसी काम का है, जितनी अमाउंट से कम हुआ है पहली एंट्री उस अमाउंट से बनेगी, ये पहला एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है। आपके पास शेयर कितने के थे, 5 लाख के, अब कितने के रखने को कह दिया, 3 लाख का, तो कितने का रिडक्शन हो गया, 2 लाख, 2 लाख से एंट्री हो गई, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर। सेकेंड एडजस्टमेंट ध्यान देना, इक्विटी शेयर थे 10 के, उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, फुल्ली पेड अप 5 ईच में, 10 रुपीज के इक्विटी शेयर थे उनको 5 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो आपके पास पहले पड़े थे 50,000 इक्विटी शेयर, आपके पास पहले पड़े थे 50,000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच के, मतलब 5 लेख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी। अब क्या करना बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन है आपको, 50,000 इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर दो आप कितने में, एट द रेट 5 ईच, मतलब 2,50,000 में, कितने में कन्वर्ट करना है, 2,50,000 में, तो कितने का रिडक्शन हो गया, 2,50,000 का रिडक्शन हो गया। जनरल एंट्री किस अमाउंट से बनेगी, केवल और केवल इस अमाउंट से। क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन, कितने अमाउंट से हो गई, 2,50,000, ये आपके 2,50,000 से एंट्री। ध्यान देना जितना पहले था वो भी कोई लेने देने का नहीं है, जितना न्यू बन गया उससे भी कोई लेना देना नहीं है, आपको एंट्री से करनी है। अब बच्चों मैंने ये डायग्राम बना के क्यों दिखाया, इसका एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक है जो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक कैसे, क्या आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म आना ही आना है, श्योरिटी के साथ आना है और कैपिटल रिडक्शन स्कीम का ही आना है। अब करना क्या है, ये जो 5 लाख था ना ये किसी काम का नहीं है, ये 3 लाख जो है वो जाएगा न्यू बैलेंस शीट के अंदर, ये 3 लाख जाएगा न्यू बैलेंस शीट के अंदर और ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर, ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर वापिस। यहां पे ये ओल्ड वैल्यू किसी काम की नहीं है, ये वैल्यू जाएगी न्यू बैलेंस शीट के अंदर और ये वैल्यू जाएगी कैपिटल रिडक्शन के अंदर। तो बच्चों इस चैप्टर को, जो कि मैंने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया है, इस चैप्टर को अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू रिडक्शन, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू रिडक्शन, इसको चाहे रफ में सॉल्व कर लेना, आपका चैलेंज से कह रहा हूं कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओल्ड वैल्यू का क्रॉस मार देना, ये वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में, ये वैल्यू कैपिटल रिडक्शन में, दैट्स इट, 2 एंट्रीज क्लियर हो चुकी है। तीसरा एडजस्टमेंट, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द रिटर्न ऑफ कंप्लीटली। सबसे पहले देखो रिटर्न ऑफ करने से पहले आपके कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 2,50,000, कितना इकट्ठा हो चुका है कैपिटल रिडक्शन में, 4,50,000 बैलेंस इकट्ठा आपकी कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस इकट्ठा हो चुका है। और क्या बोला क्वेश्चन है आपको कि भैया थर्ड एंट्री गुडविल को क्या बोला है,
गुडविल को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को उनको राइट ऑफ करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर। किस किस को राइट ऑफ करना है, गुडविल को। ओके सर, कर देंगे गुडविल को राइट ऑफ। सेकेंड और किसको राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, ये लो साहब कर दो राइट ऑफ। थर्ड किसको राइट ऑफ करना है आपका, पीएनएल अकाउंट के लॉस, पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को, इन तीनों को राइट ऑफ करना है, कर दो। गुडविल कितने की थी आपको क्वेश्चन में, गुडविल गिवन है क्वेश्चन में आपको 2 लाख, गुडविल गिवन है आपको 2 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख, और पीएनएल का लॉस कितना गिवन है, 1,05,000। टोटल कितने से एंट्री हो गई है, 4,05,000। कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना अवेलेबल था, 450। कैपिटल बैलेंस का, कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना था, 450। 4,05,000 आपका जा चुका है। अब कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस देखना, बैलेंस आपके पास अवेलेबल था 4,50,000, 4,05,000 आपका एडजस्ट हो चुका है, बैलेंस बचा है आपका 45,000 का, रिमेनिंग बैलेंस बचा है। और इसके लिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, ट्रांजेक्शन नंबर 4 की बैलेंस अमाउंट को आपको फिक्स असेट्स को राइट ऑफ करने में काम में लेना है, कि जो बैलेंस अमाउंट बची ना आपकी 45,000, उससे आप क्या कर दो, फिक्स असेट्स को राइट ऑफ कर दो। कोई बात नहीं, कर देंगे बैलेंस अमाउंट से फिक्स असेट्स को राइट ऑफ। एंट्री क्या बन जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर 45,000 टू फिक्स असेट्स, कितने से एंट्री हो गई, 45,000। क्वेश्चन खत्म। क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट लास्ट में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। सबसे पहले लाइबिलिटीज पार्ट, लाइबिलिटीज में आपकी, मैं बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं बैलेंस शीट, बिना फॉर्मेट के बना रहा हूं, आई थिंक आपको बैलेंस शीट बनाना आता होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, पेंडल का लॉस पहले जा चुका है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी, 5 लाख की, अब कितने की रह चुकी है, 250। एंट्री नंबर सेकंड, ये कितने का रह चुका है, 3 लाख का, ठीक है। और आपको एक बैलेंस वो बचा है लाइबिलिटी साइड में, वो बचा है आपका क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स बिल्कुल अनटच है, 1,15,000 का। तो टोटल बैलेंस शीट की टोटल यहाँ पे आ चुकी है आपकी 6,65,000। अब देखते हैं असेट्स पार्ट, असेट्स में देखना, एक तो आपकी फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितने की थी पहले, फिक्स असेट्स थी सर 4,80,000 की, 4,80,000 की फिक्स असेट्स थी, जिसमें से 45,000 की जा चुकी है, तो कितना बचा है यहाँ पे, 4,35,000, ठीक है। गुडविल प्रिलिमिनरी जा ही चुका है, अब क्या बचा है यहाँ पे, स्टॉक और कैश का बैलेंस। स्टॉक है सर अपने पास 1,25,000 का, और कैश है 1,05,000 का, और ये बैलेंस शीट आपकी इधर की टोटल में 6,65,000, और दोनों साइड की टोटल में, तो आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 डन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चों बहुत इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 6 तो, क्वेश्चन नंबर 9 से मेन स्टार्ट है, 10.73 पेज नंबर बुक का, 10.73 पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में आपको दे रखी मयंक लिमिटेड की, ये क्वेश्चन किसका है, ध्यान देना अगर किसी की बुक में क्वेश्चन इधर उधर हो तो, ये क्वेश्चन है मयंक लिमिटेड वाला, क्वेश्चन है मयंक लिमिटेड वाला, क्योंकि जब क्लास थी तब बहुत से बच्चों की बुक ओल्ड थी तो क्वेश्चन इधर उधर थे, तो मयंक लिमिटेड का क्वेश्चन है, ध्यान देना। बैलेंस शीट में आपको दे रखी केवल और केवल इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉस दे रखा है पीएनएल अकाउंट का, डिबेंचर का बैलेंस दे रखा है, और आपको दे रखे हैं क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। ध्यान देना बच्चों, सरेंडर ऑफ शेयर का है क्वेश्चन, सरेंडर ऑफ शेयर का है, तो मैं पहले पूरा वर्किंग नोट आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन बैलेंस शीट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखना, पहला एडजस्टमेंट देखना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कर लेना, अगर क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हो गया सरेंडर ऑफ शेयर का, तो बाकी सारे क्वेश्चन मजाक लगेंगे आपको। देखना, द इक्विटी शेयर आर टू बी सब डिवाइडेड ऑफ ₹10 ईच, एंड ईच इक्विटी शेयर होल्डर शेयर सरेंडर 60% ऑफ द होल्डिंग ऑफ द कंपनी। पहले ध्यान से देखना, आपके पास कितने शेयर है, 20,000 शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर है, कितने रुपीज वाले, ₹100 ईच वाले। अभी आपके पास कितने हैं, 20,000 इक्विटी शेयर है, 100 ईच वाले। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन शेयर को डिवाइड कर दो कितने में, 10 ईच वाले में, तो मेरे पास शेयर कितने हो जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, शेयर हो जाएंगे मेरे पास 2 लाख, क्योंकि मैंने ₹100 वाले शेयर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ₹10 वाले में, यानी सब डिविजन ऑफ शेयर। तो जो मेरे पहले कैपिटल कितनी थी, जो पहले मेरी कैपिटल 20 लाख थी,
वो कैपिटल अभी भी 20 लाख की है, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, सब डिविजन ऑफ शेयर कर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान देना बच्चों, पहले 20,000 थी, अब कितने हो गए शेयर आपके पास 2 लाख, क्योंकि पहले शेयर कितने का था 100 का, अब कितने का रह गया 10 का। अब क्वेश्चन चालू होता है मेन। अब इस 2 लाख में से, इस 2 लाख में से 60% होल्डर ने, 60% होल्डर ने क्या कर दिए, अपने शेयर सरेंडर कर दिए, अपने शेयर सरेंडर कर दिए, और 40% शेयर होल्डर अब कंपनी के पास अवेलेबल है। बहुत ध्यान से देखना, 60% शेयर होल्डर कंपनी के क्या कर चुके हैं सरेंडर, मतलब 1,20,000 शेयर, कंपनी के 1,20,000 शेयर अब सरेंडर हो चुके हैं, और कंपनी के पास शेयर कितने बचे, 80,000 शेयर बचे। सर ये तो बहुत इजी लगा, अभी काम स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब देखना, आउट ऑफ द सरेंडर शेयर 20,000 कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर, जो ये 1,20,000 शेयर कन्वर्ट हुए ना, इसमें से 12,000 शेयर, 1,20,000 में से 12,000 शेयर आपने किसमें कन्वर्ट कर दिए, 8% प्रेफरेंस शेयर में। 12,000 शेयर आपने कन्वर्ट कर दिए 8% प्रेफरेंस शेयर में, यानी कितने रुपए के, 12,000 इंटू 10, 1,20,000। बहुत ध्यान से समझते चलना, बहुत धीरे धीरे आराम से शांति से, 2 लाख शेयर थे, 60% सरेंडर कर दिए, 1,20,000, उसमें से 12,000 शेयर कन्वर्ट किए, उसकी वैल्यू कितनी है, ये 1,20। अब देखना बच्चों, यही तो कंफ्यूजन होता है, इसकी अमाउंट आ रही है 1,20 और इसके शेयर थी 1,20। बच्चों को क्या लगता है कि सर 1,20,000 थे, यहाँ पे 1,20,000 आ गया, मतलब सरेंडर का काम खत्म हो गया। यहीं पे वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 1,20,000 शेयर थे और यहाँ पे 1,20,000 अमाउंट है। अब ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड, डिवेंचर होल्डर रिड्यूस द टोटल क्लेम बाई 2,80,000 और उसके बदले में उनको ये सारे प्रेफरेंस शेयर देने हैं। अब ध्यान से देखना अगला एडजस्टमेंट, आपके पास टोटल डिवेंचर होल्डर कितने हैं, आपके पास टोटल डिवेंचर होल्डर कितने रुपए के हैं, डिवेंचर होल्डर है सर हमारे पास 8 लाख के, इसमें वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड मत कर देना। डिवेंचर होल्डर कितने आपके पास 8 लाख के, कितने से रिड्यूस करना है 2,80,000 से, तो उन्होंने अपना क्लेम क्या कर दिया रिड्यूस, 2,80,000 से उन्होंने अपना क्लेम क्या कर दिया रिड्यूस, और उसके बदले में उनको क्या मिल चुके हैं, ये 1,20,000 के प्रेफरेंस शेयर मिल चुके हैं। इसके बदले में इनको क्या देना है, 1,20,000 के प्रेफरेंस शेयर देने हैं, जो कि आपने यहाँ इश्यू किए थे वो यहाँ जा चुके हैं। तो एक्चुअली में उन्होंने कितना रिड्यूस किया, 8 लाख थे, 2,80,000 रिड्यूस किए और बदले में 1,20,000 वापस मिल चुके हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि असलियत में उन्होंने 1,60,000 का ही रिड्यूस किया। समझ सकते हो क्या असलियत में उन्होंने कितना रिड्यूस किया है, 1,60,000 का, और 1,60,000 अगर मैं 8 लाख में से रिड्यूस करूंगा तो मेरी कितनी कैपिटल बच गई, यहाँ पे कितने डिवेंचर बच गए 6,40,000। बहुत ध्यान से समझना, 8 लाख थे, 2,80,000 ने रिड्यूस किया, 120 को वापस आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे दिया, तो एक्चुअल में लॉस कितने हुआ 160 का, 160 लेस कर देना, ये 1,60,000 आपके कहाँ चल जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, 1,60,000 आपके जा चुके हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, ये डिवेंचर का ट्रीटमेंट खत्म, डिवेंचर होल्डर का ट्रीटमेंट खत्म, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड खत्म। ट्रांजेक्शन नंबर फोर्थ, क्रेडिटर ने अपना क्लेम रिड्यूस किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, क्रेडिटर ने अपना क्लेम 2 लाख तक रिड्यूस किया है, 2 लाख से नहीं 2 लाख तक, तो ध्यान से देखो अभी एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, क्रेडिटर इनके ऊपर लिख दो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर वन था, ये एडजस्टमेंट नंबर टू था, ये एडजस्टमेंट नंबर थर्ड हो गया आपका, और ये एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ। क्रेडिटर टोटल कितने के थे बच्चों ध्यान देना, 3,20,000 के, 3,20,000 के टोटल क्रेडिटर थे, इन्होंने कितना रिड्यूस कर दिया 2 लाख तक, मतलब 1,20,000 इन्होंने क्या कर दिए रिड्यूस, तो इनका नेट बैलेंस कितना आ गया 2 लाख का, 1,20,000 तक उन्होंने अपना क्या कर दिया था बैलेंस रिड्यूस, और नेट बैलेंस कितना आ गया था इनका ग्रॉस बैलेंस, ग्रॉस बैलेंस इनका कितना आ गया था 2 लाख, पर अभी खत्म नहीं हुआ इनका एडजस्टमेंट, आगे एक और बात क्या रखी है, वो क्या कह रखी है, जो इन्होंने 1,20,000 का रिड्यूस किया था ना, इसके बदले में जो इन्होंने 1,20,000 का रिड्यूस किया था, इसके बदले में इनको क्या दिए जाएंगे इक्विटी शेयर, क्या दिए जाएंगे इक्विटी शेयर, कितनी अमाउंट के 80,000 के, तो नेट बैलेंस इनका कितना हो गया 280, और ये 8,000 शेयर इनको दिए जाएंगे 10 रुपीज वाले, और ये 8,000 कौन सा है बच्चों, ये सरेंडर वाले, जो आपने 1,20,000 सरेंडर किए थे ना, जिसमें से 12,000 किसको दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को,
8000 किसको दे दिए, क्रेडिटर को। टोटल कितने शेयर जा चुके हैं आपके 12 और 8 20,000, और कितने सरेंडर हुए थे 1 20, तो 1 20 में से 12 20 जा चुके हैं। उसका ट्रीटमेंट मैं थोड़ी देर रुको बाद में बताता हूँ। क्रेडिटर कितने के थे 320 के, कितना तक लगाना बैलेंस 2 लाख का, मतलब कितना रिड्यूस किया था 120 का। इक्विटी शेयर उनको 80 के दे रहे हैं, अब उनका बैलेंस कितना हो गया 280। और बच्चों आप में से 100 में से 80% जने यहाँ पे गलती करते हैं कैपिटल रिडक्शन की, 100 में से 80% बच्चे गलती क्या करेंगे कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस की। ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में 120 नहीं जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 320 माइनस 280। कैपिटल रिडक्शन कितना जाएगा 320 माइनस 280, मतलब इस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन के अंदर जो बैलेंस जाएगा वो जाएगा आपका 40,000। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका शेयर सरेंडर का सबसे भारी क्वेश्चन था। डन। अब एक और एडजस्टमेंट, बाकी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। टोटल कितने शेयर सरेंडर हुए थे आपके, टोटल शेयर सरेंडर कितने हुए थे 1,20,000 शेयर। मैं ध्यान रखना शेयर लिख रहा हूं, इसमें से आपने प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कितने दे दिए, प्रिफरेंस शेयर को कितने दे दिए 12,000। इसमें से आपने किसको, क्रेडिटर को कितने दे दिए 8,000। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कितने शेयर सरेंडर हुए हैं आपके 1,00,000 शेयर। एक्चुअली में देखा जाए तो 1,00,000 शेयर सरेंडर हुए हैं, और 1,00,000 शेयर की अमाउंट कितनी है 10 रुपीज ईच। 1,00,000 शेयर @10 रुपीज ईच, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इस ट्रांजेक्शन से, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट से 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज आपके जाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। बहुत ध्यान से ये पूरा एडजस्टमेंट बहुत भारी जा रहा है, बहुत ध्यान से समझना ये पहला एडजस्टमेंट। और अब एक बात मुझे खुद बताओ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देना, क्या हर बच्चा ये गलती करता है ना, ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट कर रहा है तो फर्स्ट के बाद ही वो कैपिटल रिडक्शन की अमाउंट निकालने की गलती कर देता है। भाई फर्स्ट हुआ इसमें से कैपिटल रिडक्शन कितना, सेकंड हुआ इसमें से कितना, थर्ड हुआ इसमें से कितना, जबकि अब मुझे बताओ कैपिटल रिडक्शन फर्स्ट एंट्री का, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अब जाके निकल रहा है फोर्थ के बाद। और आप गलती क्या करते, 2 लाख शेयर सरेंडर हुए, 120 ने सरेंडर कर दिया 2 लाख में से, तो आप डायरेक्टली 1,20,000 10 कैपिटल रिडक्शन की एंट्री ठोक देते और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर देते। क्योंकि बच्चों ध्यान देना, अगर कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आपने गलत कर दिया तो आपकी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं हो सकती। ध्यान देना टोटल कितने सरेंडर हुए थे 120, जिसमें से 12,000 प्रिफरेंस शेयर को दे दिए, फिर ये पूरा डिबेंचर का एडजस्टमेंट हुआ, फिर क्रेडिटर का एडजस्टमेंट हुआ, फिर ये एडजस्टमेंट हुआ, तो टोटल कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट कितनी गई 1,00,000 शेयर सरेंडर @10,10,00,000 रुपीज कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट जा रही है। सब कुछ हो गया कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस वगैरह सब कुछ, अब लास्ट में बस कैपिटल रिडक्शन से सेटअप करना है। आ जाओ डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाओ या जनरल एंट्री करो, सर जनरल एंट्री बोल के बता दो, करके नहीं तो चलेगा। चलो बोलने से देखना, पहला ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन से कितना कैपिटल रिडक्शन हुआ है 10 लाख का, एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री क्या बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। सेकेंड एंट्री, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे हुआ कैपिटल रिडक्शन, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। डन। आगे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना, जो जो नेट बैलेंस बचा है नेट बैलेंस लिख दो, दैट्स इट। अभी आपको 2 क्वेश्चन कराए, किसी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन की नीड हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो, किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट करना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।